आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी और मैं हूं प्रभजीत सिंह। हमें हमेशा ऑपरेटरों और ड्राइवरों से संदेश मिलते रहते हैं, वो हमारे यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट करके भी अपनी मुश्किलें बताते हैं, अपनी राय देते हैं। ऐसे ही एक ओला उबर ड्राइवर ने हमारे एक यूट्यूब वीडियो पर कमेंट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ओला वालों ने मेरा घर तोड़ दिया, खर्चा ना दे पाने के कारण मेरी बीवी ने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का झूठा केस डाल दिया और आज मुझे मेंटेनेंस के नाम पर पैसे देने पर मजबूर किया जा रहा है। मैं गाड़ी की किस्त नहीं दे पा रहा हूँ तो मेंटेनेंस कहाँ से दूंगा। आप सोच सकते हैं कि इन्होंने किस स्थिति में, किस मानसिक स्थिति में ये कमेंट लिखा होगा। मैं इनका नाम तो नहीं जनतक करना चाहूँगा, लेकिन आप इनकी मानसिक स्थिति समझ सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक ड्राइवर की नहीं, बल्कि पूरे देश के ओला उबर ड्राइवर इस समय इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। यही कारण है कि देश के अलग अलग हिस्सों में भारी विरोध प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में भी पिछले दिनों चक्का जाम किया गया, मुंबई में अभी भी ड्राइवर हड़ताल पर चल रहे हैं। मुंबई का चक्का जाम काफ़ी हद तक सफल दिख रहा है, क्योंकि यही कारण है कि मुंबई में इस समय कैब्स की भारी कमी है और हर समय सर्ज प्राइस लगा रहता है। जिस जगह जाने के पहले 60 से 70 रुपये लगते थे, अभी 200 से 250 रुपये लग रहे हैं, जिससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्योंकि इनकी हड़ताल काफ़ी सफल नज़र आ रही है। इनकी मुख्य मांगे तो यही हैं कि कैब जो कंपनियां हैं इनकी इनकम को, इनकी आमदन को सुनिश्चित करें, ताकि ये आराम से अपना घर चला सकें। इनका कहना है कि जब कंपनियां आई थी तो इन्हें अच्छे पैसे मिलते थे, काफ़ी पैसा ये कमा लेते थे, तो इसी कारण काफ़ी ड्राइवरों ने नई गाड़ियां ले ली, बैंक से लोन लेकर, तब तो वो किस्त आराम से दे पाते थे। लेकिन इस समय जो इनको आमदन है उससे ये या तो किस्त दे सकते हैं या अपना घर चला सकते हैं, तो ड्राइवर काफ़ी परेशान इससे चल रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनियां और सरकार इस पर कुछ करें, उनको मिनिमम बेस फेयर मिले, जो मिनिमम बेस फेयर उनका सुनिश्चित किया जाए और साथ ही उनकी आमदन सुनिश्चित हो, ताकि वो इस मानसिक, जो उनका मानसिक शोषण हो रहा है और काफ़ी पैसों के मामले में वो परेशान चल रहे हैं, उसका कोई हल निकल सके। ऐसे ही एक ड्राइवर से हमारे संवाददाता धीरज ने बात की। उन ड्राइवर ने बताया कि एक तो पैसे इतने कम मिल रहे हैं राइड के, और ऊपर से काम भी नहीं है, 10-10 किलोमीटर उनको इधर उधर जाकर राइड को ढूंढना पड़ता है। तो आइए सुनाते हैं आपको उनका बयान। जब मैं 1.5 साल पहले ऊबर से जुड़ा था, तब बहुत अच्छा इन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। आप पिछले 6 महीने से 8 महीने से बहुत बुरा हाल है। इवन देन की जो काम हम 2.5 से 3 हज़ार रुपये का करते थे, वो काम आता है 1,000-1,200 रुपये का, और उसको हम करते हुए आज की डेट में 1400-1500-1200 ऐसे अब काम आता है, जो कि हम रेगुलर भी नहीं कर पाते कई बार। रीज़न डेट कि इनकी विजिट्स ही नहीं आती हैं, एरिया में खाली खड़े रहते हैं, कम से कम 10 से 12 किलोमीटर भी चले जाते हैं, अपने घर की तरफ भी डाल देते हैं डेस्टिनेशन, घर पहुँच जाते हैं तो भी डेस्टिनेशन पे इनका नहीं आता है। जो चक्का जाम करने का तात्पर्य ये है कि रेट जो ये लोग आज के डेट में इंसेंटिव दे रहे हैं, वो इंसेंटिव प्लस जो रेट है, रेट इंक्रीज करते हैं लेकिन विजिट्स नहीं है, काम नहीं है। रीजन डेट ये पता नहीं क्या है क्या नहीं इनकी तरफ से। ये ऊबर की जितने भी सदस्य वहाँ पर काम कर रहे हैं ऊपर बैठ के, ये वही बता सकते हैं क्यों नहीं दे रहे हैं काम। हम उनको फ़ोन करते हैं कस्टमर केयर पर, आप थोड़ा सा अपने एरिया से हट जाइए। हम 15-15 किलोमीटर एरिया से हट जाते हैं। 15-15 किलोमीटर का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपकी डेट में यहाँ शालीमार बाग के पास खड़ा हूँ, अगर शालीमार बाग से अगर मैं अपने घर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ से 20-22 किलोमीटर पड़ता है, तो भी नहीं आता है कहीं जाके। फिर धोला कुआँ पे एक विजिट बजेगी, उसके बाद वो भी नहीं बजती। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है। तो विजिट आपकी कम हो रही है? विजिट कम आ रही है, कमी हो रही है, इसी वजह से हमें अपना सोचना पड़ रहा है कि एक नई ऐप आ रही है, नई कैब आ रही है मार्केट में, बर्डी कैब के नाम से एक नई लॉन्च हो रही है, जो कि 25th को होनी थी, जो कि 27th को बता रहे हैं कि अब होगी जी। तो हमने उसमें भी अपना नाम दर्ज कराया, लेकिन देखते हैं। बट उनका रेट ऑफ जो रेट है, वो कह रहे हैं कि हम आपको 12 रुपये किलोमीटर देंगे, आपसे जो 25% काटते हैं हम वो नहीं काटेंगे, महीने में एक बार 2,000 रुपये लेंगे सिर्फ। पूरे देश में ड्राइवरों का इस समय यही हाल है, खास करके मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ड्राइवर काफ़ी परेशान हैं। आमदन कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो वो क्या करें ऐसे में। लेकिन अगर छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ स्थिति अभी थोड़ी ठीक है, वहाँ के ड्राइवरों को अभी आमदन ठीक है, लेकिन आने वाले समय में लग रहा है कि वहाँ भी यही हालत
हो सकती है क्योंकि कंपनियां लगातार अपना कमीशन बढ़ा रही हैं और ड्राइवरों की आमदन कम होती जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन मुंबई एकमात्र शहर है देश का जहां पर ओला उबर की ये स्ट्राइक, ये हड़ताल पूर्ण रूप पर सफल नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ऑलमोस्ट 70-80% जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर हैं और दूसरी गाड़ियों को चलने नहीं दिया जा रहा। तो आने वाले दिनों में मुंबई में पता चलेगा कि कंपनियां इस पर उनसे बातचीत करती हैं या नहीं। हो सकता है आने वाले समय में बाकी राज्यों के ड्राइवर भी मिलकर हड़ताल करें, मिलकर अपनी मांगें उठाएं, तो हो सकता है कंपनियां उनसे बातचीत भी करें। लेकिन फिलहाल तो कंपनियां ऐसे किसी भी मूड में नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ड्राइवर बेहद परेशान है, वो सरकार से भी लगातार अपनी मांग कर रहा है, अपनी आवाज़ उठा रहा है और कंपनियों से भी अपनी मांगें लगातार मांग रहा है। तो देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।